वो साहित्यिक कार्यक्रम था, नाच गाने का कार्यक्रम नहीं है। नाच गाने का कार्यक्रम सैफई में हुआ था। चाणक्य पंडित ने कहा है, विदेशी महिला से उत्पन्न बच्चा कभी देश का भला नहीं कर सकता। अच्छा, उनकी माँ खुद एक नाचने वाली बार डांसर थी। अच्छा। मैं इसको आवाज तेज करके कह रहा हूँ कि हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। वो तो हमेशा से हिंदू के खिलाफ रहे हैं। वो कुछ भी बोले उनको पता नहीं लगता हम बोल क्या रहे हैं। अभी कुछ बोलेंगे शाम के, वो कुछ बोल देंगे। वो उनको अयोध्या में नाच गाने प्रोग्राम लगा, वो प्राण प्रतिष्ठा था भगवान श्री राम, हमारे आराध्य भगवान का, 140 करोड़ जनता के आराध्य भगवान श्री राम। 550 साल के बाद ऐसा मौका मिला कि जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया, भाई राम मंदिर वहाँ पे था, राम मंदिर बनाया जाए। और राम मंदिर ने सब जनता दिया, आपने भी दिया होगा, हमने भी दिया, पूरी जनता ने दिया, जिसका जितनी क्षमता थे, 1 रुपये से लेके 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ सबने दिया है। भव्य राम मंदिर का उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा, उसको नाच गाने कह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ उनकी भगवान बुद्धि को सदबुद्धि दे। राहुल गांधी को तो हम तो कहते हैं, इनको जैसे ये बेल पे है ना, इनको तिहाड़ जेल में डाला जाए, इनको अच्छी तरह ठुकाई किया जाए, इनको 3rd degree टार्चर दिया जाए। इनको अपने धर्म को देख करके बोलना चाहिए कि नाच गाना इनके धर्म में होता है। वहाँ शादी भी होती है तो लिप किस कर दो तो शादी हो जाती है, ठीक है जी। वहाँ पर सफाई के अंदर नचने बुला लो बॉलीवुड से अंदर, तो भैया समझो कि नेताजी की जीत बहुत बड़ी हो जाती है। तो इनकी जो फिलोसफी है वो अलग है। सनातन धर्म के अंदर अगर इंसान गाड़ी भी खरीद रहा है, जब तक मंदिर में माथा नहीं टिकवाएगा घर नहीं लेके जाएगा। अरे राहुल गांधी नाच गाने का प्रोग्राम बता रहे हैं, आपत्ति क्या है इसमें? इसका जवाब सुधांशु त्रिवेदी ने दिया था ना। जब गणपति विसर्जन किया जाता है तो गणेश जी को उन्हें बुलाया जाता है, लाए जाते हैं वो, तो ऐसे ही राम जी को भी लेके आए गए हैं। अच्छा, ये नाच गाने का प्रोग्राम कहना उचित बात है? क्या अयोध्या में नाच गाने का प्रोग्राम हुआ था, अडानी अंबानी आए, अमिताभ बच्चन आए, आम आदमी नहीं आया, राहुल गांधी की समस्या है, किसान नहीं आया उसमें? वो साहित्यिक कार्यक्रम था, नाच गाने का कार्यक्रम नहीं है। नाच गाने का कार्यक्रम सैफई में हुआ था। सैफई में? हाँ जी, उसे बोलते हैं नाच गाने का कार्यक्रम। अब आप डायलॉग मार के निकल लिए, भाई साहब ने ठीक कहा कि जब हमारे घर में गणेश जी आते हैं ना 10 दिन के लिए, तो हम उनको भी छोटे से गोद में उठा करके लेकर के आते हैं और 10 दिन तक उनका पालन पोषण, उनके साथ खेल खिलाव ऐसा ही रखते हैं जैसे एक छोटे से बच्चे के साथ रखा जाता है। और राम जी का जन्म भूमि है वो। वो राम जी कंस रावण को मार करके वापसी नहीं आए थे कि हम मना रहे हैं, जन्मभूमि में बच्चे को बालक रूप में लेके आया था। और वो एक मैसेज था कि कांग्रेस के जो नेता जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, वो भी छोटा नहीं, जनऊधारी ब्राह्मण, दत्तात्रेय ब्राह्मण, कि भैया जी इनसे बड़ा ब्राह्मण तो शंकराचार्य जी भी नहीं हो सकते, ये इतने बड़े ब्राह्मण अपने आप को बताते हैं। तो उन्होंने बताया कि 500 साल से ये अंग्रेजों के कार्यकाल से नहीं आया, मुगलों ने आया, हम लेकर के एक मंदिर बनवाया, जो संघर्ष किया, लड़े सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा करके, लेकिन कांग्रेस की आत्मा इतनी मर चुकी थी कि एक राम मंदिर बनाना उनको आसान नहीं लगा। सवाल बड़ा ये है कि इस बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि अयोध्या में जो नाच गाने का प्रोग्राम हुआ था, उस नाच गाने के प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन आए हैं, ऐश्वर्या राय आती हैं, उस नाच गाने के प्रोग्राम में अडानी अंबानी आते हैं, आम आदमी नहीं आता है, क्योंकि ये भाजपा सरकार आम आदमी के विरोध में है। इस संबंध में क्या विचार है आपके? देखिए, चाणक्य पंडित ने कहा है, विदेशी महिला से उत्पन्न बच्चा कभी देश का भला नहीं कर सकता। अच्छा। उनकी माँ खुद एक नाचने वाली बार डांसर थी। अच्छा। मैं इसको आवाज तेज करके कह रहा हूँ कि हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। वो तो हमेशा से हिंदू के खिलाफ रहे हैं। वो कुछ भी बोले उनको पता नहीं लगता हम बोल क्या रहे हैं। अभी कुछ बोलेंगे शाम के, वो कुछ बोल देंगे। वो उनको अयोध्या में नाच गाने प्रोग्राम लगा, वो प्राण प्रतिष्ठा था भगवान श्री राम, हमारे आराध्य भगवान का, 140 करोड़ जनता के आराध्य भगवान श्री राम। 550 साल के बाद ऐसा मौका मिला कि जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया, भाई राम मंदिर वहाँ पे था, राम मंदिर बनाया जाए। और राम मंदिर ने सब जनता दिया, आपने भी दिया होगा, हमने भी दिया, पूरी जनता ने दिया, जिसका जितनी क्षमता थे, 1 रुपये से लेके 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ सबने दिया है। भव्य राम मंदिर का उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा, उसको नाच गाने कह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ उनकी भगवान बुद्धि को सदबुद्धि दे और उनको आगे बढ़ने में काबिलियत तारीफ करे भगवान। और रही बात इनकी राहुल गांधी हमेशा से हिंदू के खिलाफ रहे हैं, हमेशा से। अरे महाराज, वो तो कहते हैं कि ये जो बीजेपी वाला हिंदुत्व है ये सही हिंदुत्व नहीं है। जो मैंने, राहुल गांधी कहते हैं कि जो मैंने पढ़ा है हिंदुत्व, वो असली हिंदुत्व है, भाजपा का हिंदुत्व तो ढोंग है। मैंने भी जब मैं हाई स्कूल में था, हाई स्कूल में पढ़ा था, ये भी था अकबर महान है, बाबर महान है, शाहजहां महान है, हुमायूं महान है, लेकिन जब मैं थोड़ा बढ़ा, थोड़ा राजनीतिक विषय में जानकारी किया, गूगल आया, मोबाइल, एंड्रॉइड, इन सब में जानकारी मिला, पता चला महान कौन था। शहीद भगत सिंह नाम है कहीं पे, सुभाष चंद्र बोस का नाम है कहीं पे, महात्मा गांधी का नाम तो है,
जिन देश का बंटवारा किया, जिनके नाम पर उन्होंने कहा कि हिंदू चाहे भारत में रहे या चाहे पाकिस्तान में रह सकता है, लेकिन आज पाकिस्तान हिंदुओं क्या दशा है। राहुल गांधी को तो हम तो कहते हैं इनको जैसे ये बेल पे है ना, इनको तिहाड़ जेल में डाला जाए, इनको अच्छी तरह ठुकाई किया जाए, इनको थर्ड डिग्री टार्चर दिया जाए। आप लोग सबको तिहाड़ जेल में डाल रहे हैं, केजरीवाल तिहाड़ जेल में, राहुल गांधी, विपक्ष बचेगा नहीं बचेगा, लोकतंत्र बचेगा नहीं बचेगा, फिर बोलेंगे कि एक पार्टी एक देश एक पार्टी, आप तो फिर भाजपा के अलावा की पार्टी नहीं बचेगी। आपने चीन कभी गए हैं? चीन में क्या कानून है? नहीं, चीन में क्या कानून, न्यूज में देखते होंगे ना, वहाँ कोई पार्टी नहीं है, एक ही पार्टी है, कोई धर्म नहीं है, सिर्फ वहाँ पे इंसानियत है। वहाँ पे ना तो कोई टोपी लगा सकता है, ना तो कोई वहाँ पे अपना दाढ़ी रख सकता है, ना 20 सड़क नमाज पढ़ सकता है। तो वैसे भारत होना चाहिए, ये हिंदुस्तान है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है ना, ये क्या है ना? नहीं नहीं, ये तो सेकुलर है। यहाँ तो एक बार आरएसएस के एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा, ये भारत देश आपको कैसा लगा? करे भारत एक जंगल है, इसमें चीता भालू शेर गीदड़ सब रहते हैं, सबकी रहने की यहाँ व्यवस्था है। सनातनी हम लोग हैं, आस नहीं है, हमारा धर्म जो सनातनी चलाया है। राहुल गांधी एक विदेशी महिला से उत्पन्न व्यक्ति देश का क्या भला करेगा? सोनिया गांधी अफसोस करती है, एक नाथ हमें बहु मिल रही है ना बहुमत मिल रहा है। अरे महाराज, भला करने की राहुल गांधी बात करते तो है, कहते कि जनगणना करवाइए, कहते कि देश में जितने भी संसाधन है, देश में जो आबादी है उसका 90% जो आबादी है उसे कुछ मिल ही नहीं रहा है। 10% की पूरे के पूरे देश में कब्जा, अडानी अंबानी का कब्जा है, 90% वंचित राहुल गांधी। उनको अडानी अंबानी दिखते हैं, रॉबर्ट बाड्रा नहीं दिखता है। रॉबर्ट बाड्रा क्यों नहीं दिखता है? परिवारवाद क्यों नहीं दिखता है उनको? परिवारवाद क्यों नहीं दिखता है उनको? तो मैं कहता हूँ, अभी एक वीडियो आया था, वो अपने आप को कहते हैं हम युवा हैं, युवा हैं, युवा कितने साल में होते हैं? 40 साल बाद युवा खत्म हो जाता है, मैं अपना युवा नहीं कह सकता। वो 55+ चल रहे हैं, वरिष्ठ युवा नागरिक हैं भारत देश के, उनकी नागरिकता रद्द करने के लिए सुब्रीम स्वामी ने याचिका दायर की थी, इस पे सुनवाई शायद 19 अक्टूबर को होनी है। ब्रिटेन की नागरिकता का सवाल उठाया था इसमें, कि बिल्कुल उनको भारत देश की नागरिकता रद्द कर देनी चाहिए, उनको भारत से लताड़ के उनको क्या पार करके बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। पंडित जी, क्या नाम है आपका? सानू गुप्ता। सानू गुप्ता जी, इस बार जो राहुल गांधी जो है, क्या देखते हो, बड़े अग्रेसिव हो गए आजकल, निखर रहे हैं राहुल गांधी लोकसभा में, जो प्रदर्शन किया है राहुल गांधी, अब पुराने वाले नहीं रहे हैं, पुराने वाले को तो वो खुद ही मार देते, नए वाले हैं, ये मोदी के लिए भारी पड़ रहे हैं, क्या चुनौती है क्या मोदी के लिए? देखिए, ऐसी कोई भी मोदी के लिए राहुल गांधी जी की कोई चुनौती नहीं है, नहीं है, नहीं। और मोदी जी का जो कार्य हैं मोदी जी के, हाँ, वो बिल्कुल राहुल गांधी जी से अलग हैं और कांग्रेस से अलग हैं। अच्छा। और मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत में, हाँ, हिंदुओं में एक अलग जगाने का काम किया है, हाँ, निश्चित है कि यह एक ऐतिहासिक है। और जिस प्रकार से सनातन धर्म सबसे पुराना, विश्व का सबसे पुराना धर्म है, हाँ, सनातन को जगाने का काम किया है मोदी जी ने। अरे कहाँ जगाए महाराज, राहुल गांधी कह रहे हैं हरियाणा के हिसार में, ये जो रामलला का जी जो ये नाच गाने का प्रोग्राम हुआ था उसमें आम आदमी तो आया नहीं, अडानी अंबानी अमिताभ बच्चन नाच गाने का प्रोग्राम बता रहे हैं रामलला के उत्सव को। देखिए, ये तो राजनीतिक स्टंट है, हाँ, राहुल गांधी जी का, हाँ, और ऐसा कोई नाच गाना नहीं हुआ है। वहाँ बड़े बड़े साधु संत जो सनातन धर्म के जो पुरोधा है, जिन्होंने सनातन धर्म को जगाने की, हाँ, जीवन भर खपा दिया अपना, हाँ, हाँ, पूरा खपा दिया जी, ऐसे लोगों को आमंत्रित किया गया था राम मंदिर में। बोल रहे हैं नाच गाने का प्रोग्राम कराया था महाराज। देखिए, नाच गाने वाला व्यक्ति, हाँ, नाच गाने का ही आरोप लगाएगा दूसरी पार्टी में। बार-बार सनातन धर्म ही क्यों, कभी मंदिर की मूर्तियां शक्तिहीन बताई जाती हैं, कभी कहा जाता है कि एक शक्ति है उस शक्ति को खत्म करना है, कभी रामलला के उस उत्सव को, प्राण प्रतिष्ठा जो सदियों से चला आ रहा है सनातन धर्म में, उसे नाच गाने का प्रोग्राम तक बता दिया जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम? देखिए, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं वो सबको मालूम है, हाँ। हम जा रहे हैं जो आज भारत धर्म निरपेक्ष है, हाँ। निश्चित है कि आने वाले समय में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा लिखित रूप में। अच्छा। क्योंकि भारत में आज 95 करोड़ हिंदू हैं और हिंदुओं का भारत है, जो बचे कुचे हैं वो भी हिंदू थे, लेकिन अन्य पार्टियों के बदौलत उन्होंने हिंदू धर्म कहीं ना कहीं त्याग करके दूसरा धर्म अपना लिया, और मोदी जी ने वह स्थिति पुनः लागू की कि जो धर्म छोड़ चुके थे वो पुनः हिंदू धर्म में वापस हो रहे हैं।
लेकिन राहुल गांधी जी क्यों नहीं हिंदू धर्म में वापसी आते? वो क्यों आएंगे महाराज? वो तो कह रहे हैं कि मैं धर्म निरपेक्ष का बेड़ा उठा रखा है मैंने, मैं हर धर्म हर जाति से ऊपर हूँ। राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र का प्रहरी हूँ, सबको बचाने के लिए। तो इलेक्शन में जनेऊ डाल के महादेव के मंदिरों में पहुंच जाते हैं, केदारनाथ पहुंच जाते हैं, अपने आप को कहते हैं मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, है इनकी बहन कश्मीरी पंडित है, अब श्राद्ध चल रहे हैं, सबको बताओगा सनातन धर्म के अंदर क्या उसकी महत्व होती है। आपने देखा नेहरू जी का श्राद्ध मना रहे हो, राहुल गांधी जी के परिवार वाले इंदिरा जी का श्राद्ध मना रहे हो, या राजीव गांधी जी का श्राद्ध मना रहे हो, देखा? तो काय के हिंदू हैं ये, नवरात्रे आ रहे हैं, देखा आपने कहीं व्रत रखते हुए माता की पूजा करते हुए या किसी माता के मंदिर जाते हुए देखा आपने? तो काय के हिंदू हैं ये? गणपति जी का जो उत्सव मनाया जा रहा था अभी 10-11 दिन का, सलमान खान तक ले आया अपने घर में गणपति जी, शाहरुख खान आ गया, बड़े बड़े मुस्लिम लेकर के आ गए, लेकिन ये जो जनेऊधारी हमारे ब्राह्मण है ना, इनको नहीं हुआ कि मैं गणपति जी को ही ले आऊं। घर बना रहे हैं, फैक्ट्रियां बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, और हमारे सनातन धर्म में कहते हैं पथ में गणपति पूजिए, गणपति जी को जो है सबसे पहले पूजना चाहिए। कहीं पे आपने देखा गणपति जी की पूजा करते हुए इनको, इनके पूरे परिवार को कहीं देखा? तो ये मूर्ख बनाना है, जिस दिन दोगले हिंदू, जिस दिन भटके हुए हिंदू इन दोगले हिंदुओं का चेहरा समझ जाएंगे ना, उस दिन मोदी को लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, मोदी जी को आकर के बताने की जरूरत नहीं है कि भैया ये क्या कर रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या था। कई लोग कहते हैं नेहरू ने ये सरदार पटेल जी को नहीं बनने दिया प्रधानमंत्री, अब इनके जो बड़े बड़े साइंटिस्ट आते हैं पढ़े लिखे और शास्त्री, उनका ज्ञान भी फैला, वो कहेंगे भैया 51 में तो इलेक्शन हुआ था, 50 में तो सरदार पटेल जी की डेथ हो गई थी, तो कैसे वो बन जाते? लेकिन इनको पढ़ना तो है नहीं, स्टडी करनी नहीं है, जो राहुल गांधी जी ने कह दिया, जो कांग्रेस 70 सालों से बोलती आ रही है उस पर ही हमने चलना है। जबकि मूर्खता क्या होती है, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था उसके बाद जो कांग्रेस का अध्यक्ष था उस समय का अंग्रेज, उसे समझ आ गई थी कि अब भारत में ज्यादा देर नहीं चल सकते। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, 1946 के अंदर उसने कह दिया था कि कांग्रेस को अपना उपाध्यक्ष चुन लो, और जो उपाध्यक्ष बनता वही आने वाला भारत का प्रधानमंत्री होना था। सरदार पटेल को 12 से ज्यादा वोट मिले थे और जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ 2 वोट मिले थे, लेकिन हमारे गांधी जी वो चाहते थे नेहरू जी बने, कार्यकारिणी समिति में आंदोलन पे बैठ जाऊंगा, भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। ये आप जो है बातें भविष्य, हम अगर अभी की बात करें और जो भविष्य की जो कहीं ना कहीं परिकल्पना की बात हो रही, क्योंकि राहुल गांधी हरियाणा में कह रहे हैं कि ये जो अयोध्या में नाच गाने का प्रोग्राम हुआ था उसमें बड़े बड़े उद्योगपति आ गए, अमिताभ बच्चन आ गए, ऐश्वर्या राय आ गई, गरीब आदमी नहीं आया, बड़े ही नहीं आया, कोई किसान नहीं आया, तो इस नाच गाने के प्रोग्राम का मतलब क्या है? रामलला का इनको अपने धर्म को देख करके बोलना चाहिए कि नाच गाना इनके धर्म में होता है। हाँ। वहाँ शादी भी होती है तो लिप किस कर दो तो शादी हो जाती है, ठीक है जी, वहां पर सफाई के अंदर नचनिया बुला लो बॉलीवुड से अंदर तो भैया समझो कि नेताजी की जीत बहुत बड़ी हो जाती है। तो इनकी जो फिलोसफी है वो अलग है। सनातन धर्म के अंदर अगर इंसान गाड़ी भी खरीद रहा है जब तक मंदिर में माथा नहीं टिकवाएगा घर नहीं लेके जाएगा, घर भी ले रहा है जब तक हवन नहीं कराएगा शुद्धि नहीं कराएगा तब तक वो घर पवित्र नहीं होगा, जमीन भी खरीद रहा है जब तक उसके ऊपर पूजन नहीं कराएगा, नाग नागिन का जोड़ा तक नहीं जमीन में दफनाएगा तब तक उसको संतुष्टि नहीं होती। ये कहे के मैं कह तो रहा हूँ, ये सेकुलर हिंदू जो है ना इनको वो खुशी की दुकान पे ले जाओ, जो पेशाब वाला दूध पिला रहे हो जूस पिला रहे थे ना उधर लेके जाओ, भाईचारा है भाई, भाईचारा है, पी ले, क्या हो गया तेरा भाईचारा और बढ़ेगा, मतलब थूका हुआ खाओ तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहेगा, पेशाब वाला पियो हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब रहे सही रहेगा, सेना पत्थर खा रही है देखते रहो हिंदू मुस्लिम भाईचारा ठीक रहेगा, भारत के हर एक राज्य में बम फट रहे हैं चुप रहो हिंदू मुस्लिम भाईचारा ठीक रहेगा, तिरंगा जलाया जा रहा है चुप रहो हिंदू मुस्लिम भाईचारा ठीक रहेगा।